कर्मचारी भविष्य निधि के रीजनल कमिश्नर मनीष मणि ने मंगलवार को सिद्धार्थनगर निवासी मृतक नागेंद्र कुमार चौधरी की पत्नी सीमा को पीएफ बीमा और पेंशन के ऑनलाइन चेक भुगतान का प्रमाण पत्र सौंपा, जिसके संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि के रीजनल कमिश्नर मनीष मणि ने बताया कि नागेंद्र कुमार चौधरी पुत्र हरीश चंद्र चौधरी निवासी मदरहना पोस्ट दलदला जिला सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे। वे बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत थे, जिसका कुछ समय पहले बिजली के पोल पर चढ़ते वक्त करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच भविष्य निधि के कर्मचारी द्वारा करवाया गया और मृतक की पत्नी सीमा को बीमा का पैसा 2,50,000 और पेंशन 2,231 रुपये उनके खाते में भेज दिया गया और उनके बच्चों के खाते में पेंशन की धनराशि 558 रुपये भेज दिया गया, जिसका प्रमाण पत्र मृतक की पत्नी सीमा को दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि के रीजनल कमिश्नर मनीष मणि ने कहा, अभी आपको हम लोगों ने भिजवा दिया है। अभी सर इनको आप सर्टिफिकेट देंगे किस संदर्भ में दिया गया? अभी ये जो सीमा देवी को हम लोगों ने एक पेंशन के कागज उनके दिए, इनके पति की मृत्यु इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में जो बिजली विभाग में कार्यरत थे लाइनमैन के रूप में, वहाँ पे पोल चढ़ने के क्रम में हो गई थी। तो वही एक खबर ये न्यूज़पेपर में छपी थी। मामला हमारे संज्ञान में आते ही हम लोगों ने इसकी जांच कराई और इनको इनके हमारे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इनसे संपर्क करके इनका फॉर्म भरवाया। इनका फॉर्म भरवा के आज इनको पेंशन की राशि इनकी जारी कर दी, साथ ही साथ इनको बीमा और इनके पीएफ की भी राशि इनको भुगतान कर दिया गया। कितना बीमा इनकी? उनको न्यूनतम बीमा 2,50,000 रुपए इनको दिया गया है। और पेंशन राशि कितना जाएगी? पेंशन राशि इनको 2,231 रुपए और इनके बच्चों को 558 रुपए इनको प्रतिमाह इनको दिया जाएगा। कहाँ के रहने वाली है? ये सिद्धार्थनगर के रहने वाली हैं सीमा देवी, इनके पति भी वहीं पे कार्यरत हैं।